नमस्कार दोस्तों, लर्न विद हार्टजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कास्ट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर के पिछले साल के पेपर को हल करने वाले हैं। काम 203 इसका कोड है और 2022-23 में ये पेपर आया है बीकॉम सेकंड ईयर के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई, ऑप्शन ए है स्थिर रहती है, बी उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है, सी बिक्री की मात्रा के साथ सहानुभूति में भिन्न होती है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील लागत जो होती है वो प्रति इकाई तो स्थिर होती है, यानी एक यूनिट आप बना रहे हैं यदि 5 रुपये लग रहे हैं तो 10 यूनिट बनाएंगे तो 50 रुपये लगेंगे, यानी एक यूनिट के पीछे 5 ही रुपये लगे। 100 यूनिट बनाएंगे 500 रुपये लगेंगे, यानी एक यूनिट के पीछे 5 ही रुपये लगे। तो प्रति इकाई जब देखा जाएगा तो ये स्थिर रहती है, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई स्थिर रहती है। एज ए होल जब देखा जाएगा, टोटल कास्ट के रूप में देखा जाएगा, तो ऐसे केस में परिवर्तनशील लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है इन टोटल वो बढ़ती रहती है, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ती है इन टोटल, और प्रति इकाई यदि देखेंगे तो वो हमेशा स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि तब होती है जब ए उत्पादन की मात्रा घट जाती है, बी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, सी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जब उत्पादन की मात्रा घट जाती है तो प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इन टोटल जब देखते हैं तो स्थिर लागत तो सेम रहती है, बदलती नहीं है। मान लो 1000 रुपये कोई लागत है, अब ये 1000 रुपये की लागत स्थिर है तो 1000 रुपये वो स्थिर रहेगा। अब इसमें हम यदि 100 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट हमारी फिक्स कास्ट पड़ेगी 10 रुपये, और यदि हम 200 यूनिट बनाते हैं तो हमारी फिक्स कास्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 5 रुपये। ठीक है, 1000 / 200 = 5 रुपये। तो जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो ऐसे केस में स्थिर लागत प्रति इकाई कम होती चली जाती है, लेकिन जब उत्पादन की मात्रा घट जाती है तो स्थिर लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लागत खातों में शामिल नहीं होती है, बैंक जमा पर ब्याज, अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान, कानून पर देय क्षति, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही फाइनेंशियल नेचर की मदें हैं और फाइनेंशियल नेचर की मदों को कास्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। औसत लागत सहायता करता है लागत के निर्धारण में, प्रबंधकीय निर्णय लेने में, नियंत्रक लागत में, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, औसत लागत जो है प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता करता है। प्रबंधक को ये देखना होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज पे खर्चा करना है या नहीं करना है। तो औसत लागत के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी संसाधन को एक जगह लगाया जाए तब वो ज़्यादा फायदेमंद है, या दूसरी जगह लगाया जाए तब ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे प्रबंधकों को निर्णय लेने में आसानी हो जाती है जब औसत लागत उनको मालूम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। चरण लागत स्टेप कास्ट को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो स्टेप कास्ट को मिश्रित लागत माना जाता है। मिश्रित लागत का मतलब क्या हुआ, ऐसी लागत जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड कास्ट का हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल कास्ट का हो, उसे मिश्रित लागत कहते हैं। मतलब इसमें अस्थाई और परिवर्तनशील व्यय दोनों ही शामिल हों तो वो मिश्रित लागत कही जाती है। और स्टेप कास्ट क्या होता है, चरण लागत। चरण लागत का मतलब होता है जब कोई उत्पादक किसी एक लेवल पे काम कर रहा है और उस लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट होना चाहता है तो जो लागतें बढ़ जाती हैं उसी को स्टेप लागत कहते हैं। मान लो एक संस्था है जो फर्नीचर बनाने का काम करती है और वो 100 चेयर्स पर डे की कैपेसिटी पे काम कर रही है, उसके लिए उसने कुछ मशीनें लगाई हुई हैं, कुछ मजदूर रखे हुए हैं, मटेरियल का कंट्रोल करती है, सारी चीज़ें करती है।
अब उसने डिसाइड किया क्यों ना हम 150 चेयर पर डे की कैपेसिटी पे चले जाए, यानी हर दिन 150 चेयर बनाने का काम क्यों ना किया जाए। तो इसके लिए उसे कुछ मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले 100 चेयर बनाते वक्त लागत थी और अब 150 चेयर बनाने के दौरान जो लागत लगेगी, इन दोनों लेवल के बीच में जितने भी खर्चे किए गए, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने के संदर्भ में जितने भी खर्चे किए गए, वो हमारी स्टेप लागत कही जाएगी। ठीक है ना, यानी एक लेवल पर उत्पादन चल रहा है, उससे अगले लेवल पे जाने पर जो एक्स्ट्रा खर्चा हमें करना पड़ता है वो स्टेप लागत होती है, और ये मिश्रित नेचर की होती है। इसमें कुछ खर्चे वेरिएबल भी होते हैं, कुछ खर्चे फिक्स्ड भी होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लागत लेखांकन किसके संबंध में वित्तीय लेखांकन से भिन्न है? रहतिया मूल्यांकन, लागत का निर्धारण, लागत का अभिलेखन, या फिर लागत की रिपोर्टिंग। तो लागत लेखांकन जो है वित्तीय लेखांकन से भिन्न इसलिए है क्योंकि लागत के निर्धारण की टेक्निक बदल जाती है। वित्तीय खातों में हम अलग तरीके से कास्ट को निकालते हैं और कास्ट अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंट तरीके से हम कास्ट को एसर्टेन करते हैं या निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक लागत प्रणाली को डिजाइन करते समय विचार किया जाने वाला मुख्य कारक क्या है? प्रयुक्त सामग्री की प्रकृति, व्यावसायिक स्थिति, निर्माण प्रक्रिया, या फिर व्यवसायों की संगठनात्मक संरचना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, निर्माण प्रक्रिया, क्योंकि जिस प्रक्रिया से निर्माण होता है उसी के अनुसार हमें कॉस्टिंग का सिस्टम डिसाइड करना पड़ता है। यदि एक ही उत्पादन बार बार हो रहा है और स्टैंडर्ड टाइप का है तो यूनिट कॉस्टिंग यूज करेंगे। यदि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर अपने काम को कर रहे हैं, एक अस्थाई जगह पे हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करेंगे। यदि हम ऐसी कोई वस्तु बना रहे हैं जो कई चरणों में बनकर तैयार होती है तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करेंगे। और यदि हम कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करेंगे। ऐसे ही और भी विधियां हैं जो यूज होती हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। कुछ लोग कहेंगे प्रयुक्त सामग्री की प्रकृति के आधार पर भी ये डिसाइड होता है, तो ये बात कुछ हद तक सही है, ये भी ऑप्शन कुछ कुछ ठीक है, लेकिन निर्माण प्रक्रिया पे ज़्यादा निर्भर होता है कि कौन सी लागत पद्धति अपनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्पादन की प्रति इकाई लागत की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है लागत प्रणाली, लागत प्रक्रिया, लागत विधियां और उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम कहते हैं यूनिट कास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ यूनिट कास्टिंग ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो लागत प्रणाली, प्रक्रिया, विधियां, ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, इसलिए तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए दिया है विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, बी अधिकतम लाभ अर्जित करना, सी निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को डेटा प्रदान करना, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए लागत लेखांकन का तीनों ही उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक तो लागत निकालने पर हमको लागत जब सही सही मालूम हो जाती है तो हम विक्रय मूल्य भी निर्धारित कर सकते हैं, और लागत के ऊपर कंट्रोल करके हम इसे कम कर सकते हैं और अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। लागत को कंट्रोल करेंगे तो लागत कम होगी। और तीसरा, प्रबंध को तरह तरह के निर्णय लेने होते हैं, कहाँ से माल खरीदें, कौन सा माल खरीदें, किस विधि से कार्य को किया जाए, मजदूरी भुगतान की क्या विधि होगी, ये सब निर्णय लेने के लिए भी लागत लेखांकन डेटा उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लागत को संदर्भित करता है। कुछ वस्तुओं या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग का मूल्य, भविष्य के लाभों का वर्तमान मूल्य, एक संपत्ति जिसने लाभ दिया है और अब वह समाप्त हो गया है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले में हम जो त्याग करते हैं उसी को लागत कहा जाता है, लागत की मूल परिभाषा यही है। क्वेश्चन नंबर 11, सामग्री नियंत्रण में निम्नलिखित चरण शामिल नहीं है, सामग्री का क्रय,
सामग्रियों का भंडारण, सामग्री का निर्गमन या उत्पादन। तो देखिए ये तीनों पॉइंट जो है सामग्री से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उत्पादन डिफरेंट प्रक्रिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो उत्पादन शामिल नहीं होगा सामग्री नियंत्रण में। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी सामग्री नियंत्रण की तकनीकी नहीं है? एबीसी विश्लेषण, ये तो है ही है, कच्चे माल के स्तरों का निर्धारण, ये भी है, स्टोर बही खाते बनाए रखना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पहले धीमी गति से चलने वाली तथा गैर गतिमान वस्तुओं पर नियंत्रण, तो यहाँ पे भी नियंत्रण की बात आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा कि स्टोर बही खाते को बनाए रखना। स्टोर बही खाते को बनाना जो है एक रूटीन वर्क है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है और रूटीन वर्क है, सामग्री नियंत्रण की तकनीकी बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 13, रहतिया पद्धति का प्रकार जिसमें अधिक संख्या में लेखांकन लेन देन शामिल हैं को के रूप में जाना जाता है, आवधिक रहतिया विधि, सतत रहतिया विधि, निर्मित माल रहतिया विधि या निश्चित आदेश अवधि रहतिया प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए जिसमें ज्यादा लेन देन होता है, ज्यादा संख्या में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कहते हैं सतत रहतिया प्रणाली, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें स्टॉक को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया जाता है कि सामग्री की स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट इन टाइम का उद्देश्य है शून्य रहतिया, जनशक्ति में कमी, अधिक उत्पादन या उपरोक्त सभी। तो देखिए जस्ट इन टाइम जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है और ये होल्डिंग कास्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शून्य रहतिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य प्रभावी को प्राप्त करना है, सामग्री प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री का लेखांकन या सामग्री की आपूर्ति। तो सामग्री नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामग्री का प्रबंध किया जाए, मटेरियल मैनेजमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमतों में परिवर्तन का औसत किस पद्धति के अंतर्गत निकाला जाता है? भारित औसत, साधारण औसत, फीफो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीमतों में परिवर्तन का औसत जो है भारित औसत विधि में निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी विश्लेषण में किस प्रकार की सामग्री को ए प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? उच्च कीमत अधिक मात्रा, उच्च कीमत कम मात्रा, कम कीमत अधिक मात्रा या कम कीमत कम मात्रा। तो देखिए एबीसी एनालिसिस एक टेक्निक होती है मटेरियल कंट्रोल की, जिसमें मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, ए बी और सी। ए कैटेगरी में उस मटेरियल को रखा जाता है जिसकी प्राइस हाई होती है लेकिन वो थोड़ी मात्रा में यूज होती है। बी कैटेगरी में उस मटेरियल को रखा जाता है जो थोड़ी वैल्यूएबल होती है लेकिन बहुत महंगी नहीं होती और काफ़ी संख्या में इसे यूज किया जाता है। सी कैटेगरी में ऐसे मटेरियल को रखा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज की जाती है लेकिन उसकी कीमत बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ए के बारे में पूछा है, तो ए के बारे में ऐसे मटेरियल को रखा जाएगा ए में जिसकी कीमत अधिक हो और कम मात्रा में यूज होती हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्रय मांग सामग्री की है आवश्यकता, क्रय वापसी, आपूर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्रय मांग तब की जाती है जब आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो जब सामग्री की आवश्यकता होती है तो क्रय मांग की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिक निर्गमन के मूल्यांकन की फीफो विधि किस समय उपयुक्त रहती है? बढ़ती कीमतें, गिरती कीमतें, कीमतों में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गिरती कीमतें। जब मटेरियल का प्राइस मार्केट में गिर रहा हो ऐसे केस में मटेरियल इशू का जो मेथड अपनाना चाहिए वो है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा है जिस पर माल रखने और ले जाने की लागत होती है,
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूनतम एवं समान। आर्थिक आदेश मात्रा एक ऐसी मात्रा होती है मटेरियल ऑर्डर करने की जिसमें मटेरियल को मेंटेन करने की कॉस्ट कम से कम है। मटेरियल को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ऑर्डर देने की कॉस्ट लगती है, ऑर्डर देने के पहले जो तैयारी की जाती है ये पता लगाया जाता है कि कौन सा मटेरियल किस जगह से लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इसके लिए रिसर्च करना होता है और इसमें काफ़ी खर्चा लगता है। दूसरी कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट होती है, यानी मटेरियल को जब हम ज़्यादा मात्रा में यदि खरीद लेते हैं तो उसे रखने के लिए हमें गोदाम चाहिए होगा, उसे देखभाल करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो उनका खर्चा लगेगा। तो इन दोनों खर्चों को न्यूनतम लेवल पे बनाए रखने के हिसाब से एक इक्वेशन के माध्यम से ये तय किया जाता है कि कौन सा ऑर्डर का साइज है जो हमारे लिए सबसे इकोनॉमिकल होगा, ये दोनों खर्चे उसमें कम होंगे। और जब ये निर्धारित कर लिया जाता है तो उसी मात्रा में ऑर्डर दिया जाता है, और क्योंकि ये पहले से निर्धारित हो जाता है तो एक तरह से माने तो आदेश की लागत न्यूनतम तो होती ही है, साथ ही साथ ये हर बार समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय समय है कारखाने में श्रमिकों द्वारा बिताया गया समय, कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में बिताया गया समय, श्रमिकों द्वारा काम के बाहर बिताया गया समय, या श्रमिकों द्वारा कार्य पर बिताया गया समय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, श्रमिकों द्वारा अपने काम से बाहर बिताया गया समय। भाई कारखाने में श्रमिक है तो कुछ काम ही करेगा, कर्मचारी कार्यालय में है तो अपना काम ही करेंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कार्य पे जब समय बिताया जाएगा तब वो निष्क्रिय समय होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, जब श्रमिक अपने काम से बाहर समय बिताते हैं यानी काम किए बिना समय बिताते हैं तो वो निष्क्रिय समय या आइडल टाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ऊपरी व्यय को संदर्भित करता है प्रत्यक्ष या मूल लागत, सभी अप्रत्यक्ष लागत, केवल कारखाना अप्रत्यक्ष लागत, या फिर केवल अप्रत्यक्ष व्यय। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सभी अप्रत्यक्ष लागत, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, ये सभी एक साथ जब मिला दिए जाते हैं तो वो ओवरहेड कहे जाते हैं, जिसे हिंदी में ऊपरी व्यय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मशीन के खराब होने की दर निष्क्रिय दर है, ओवर, सामान्य, असामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असामान्य, मशीन के खराब होने की दर जो है असामान्य निष्क्रिय दर मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस लागत को अप्रत्यक्ष श्रम के रूप में जाना जाता है, निष्क्रिय समय, अधिसमय प्रीमियम, अनुसंगी लाभ, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों ही जो है आपका अप्रत्यक्ष श्रम के रूप में जाने जाते हैं, चाहे कर्मचारियों का समय आइडल रहा हो, निष्क्रिय रहा हो, या उन्होंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, उसका हमने कुछ प्रीमियम दिया है, या कर्मचारियों की सुविधा के लिए कुछ एडिशनल खर्च हमने किया है, ये तीनों के तीनों जो है इनडायरेक्ट लेबर के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अधिसमय है वास्तविक घंटे सामान्य घंटे से अधिक होने पर, वास्तविक घंटे मानक घंटे से अधिक होने पर, मानक घंटे वास्तविक घंटों से अधिक होने पर, और वास्तविक घंटे मानक घंटे से कम होने पर। तो देखिए अधिसमय का मतलब है कि वास्तविक घंटे सामान्य घंटे से अधिक होने पर, जब कार्य के सामान्य घंटे जो रेगुलर बेसिस पे कर्मचारियों द्वारा स्पेंड किए जाते हैं कारखाने में, यदि उससे ज़्यादा काम कराया जाता है तो उसी को हम ओवरटाइम या अधिसमय कहते हैं। तो वास्तविक घंटा यानी वास्तव में जितना काम किया गया वो यदि सामान्य घंटे से अधिक है तो इसी को ओवरटाइम कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, ऊपरी व्यय के साथ उत्पादन को उचित दर से प्रभारित करना कहलाता है, इसे हम कहेंगे अपोर्शनमेंट यानी कि विभाजन। आवंटन का मतलब होता है कि कोई खर्चा हुआ वो किसी चीज से रिलेटेड है, चलो भैया उसके ऊपर हमने चार्ज पूरा का पूरा एक जगह पे चार्ज कर दिया, लेकिन ऊपरी व्यय के साथ उत्पादन को उचित दर से जब प्रभारित किया जाता है तो उसे हम विभाजन कहते हैं, अपोर्शनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
समय अतिरिक्त श्रम का कारण बनता है? कौन सा समय अतिरिक्त श्रम का कारण बनता है? अधिक समय, निष्क्रिय समय, सामान्य समय या असामान्य समय? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिक समय। अधिक समय जो है जब ओवर टाइम कराया जाता है तो इस समय मजदूरी नॉर्मल दर से अधिक दर से देनी पड़ती है और इसकी वजह से श्रम की लागत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक लागत केंद्र या लागत इकाई को लागत की पूरी वस्तु को आवंटन के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कास्ट टू अ कास्ट सेंटर और कास्ट यूनिट इज नोन एज। अच्छा, तो इसे हम कहेंगे लागत आवंटन। जब कोई खर्चा किसी कार्य के बदले में हुआ और उसे हमने उस कास्ट सेंटर या कास्ट यूनिट पर अलॉट कर दिया तो उसे हम कहते हैं कास्ट एलोकेशन या लागत का आवंटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। मजदूरी भुगतान की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है जहां कार्य की गुणवत्ता और सटीकता प्राथमिक महत्व है? इकाई दर पद्धति, विभेदक इकाई कार्य प्रणाली, समय दर प्रणाली या हेल्से प्रीमियम प्रणाली। तो देखिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि कार्य की गुणवत्ता एवं सटीकता का प्राथमिक महत्व है। तो कार्य की गुणवत्ता जो है कभी भी जब टाइम के हिसाब से आप रेट देते हैं, समय दर प्रणाली अपनाते हैं, तब अच्छी पाई जाती है। यदि आप इकाई दर प्रणाली अपनाएंगे तो ऐसे केस में मजदूर जो है थोड़ी जल्दीबाजी में काम करते हैं, उनका ये होता है कि जितना ज़्यादा हम उत्पादन कर लेंगे उतनी ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, तो थोड़ा बहुत काम में वो कमी रह जाती है। समय दर प्रणाली में क्योंकि मजदूरों के पास समय का कोई लिमिट नहीं रहता है, कोई टारगेट नहीं रहता है, तो ऐसे केस में वो आराम से बहुत अच्छी तरीके से बारीकी के साथ काम करते हैं और गुणवत्ता और सटीकता में कोई कमी नहीं आने पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादित इकाइयों पर किसी विशेष विभाग या लागत केंद्र को आवंटित ऊपरी व्यय के वितरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ तीनों चीजें एक साथ देख लेते हैं। आवंटन का मतलब है कि कोई खर्चा हुआ और हमें ये पता है कि ये किसी पर्टिकुलर विभाग से संबंधित है, उस विभाग में हमने पूरा का पूरा खर्चा लिख दिया, तो ये हुआ आवंटन। अब हमारे पास यदि कोई खर्चा है, अब उसमें हमें ये पता है कि वो एक विभाग से संबंधित नहीं है बल्कि वो कई विभाग से संबंधित है, तो उसे हम एक उचित आधार पर बांटेंगे जब, तो इस बांटने की प्रक्रिया को कहा जाएगा विभाजन या अपोर्शनमेंट। और बांटने के बाद जब उस खर्चे के किसी एक पार्ट को उस विभाग में चार्ज किया जाता है और उसे उत्पादन की सभी इकाइयों के बीच में उसका एक तरीके से बंटवारा कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, तब उसे अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल्से मजदूरी योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है सामान्य दर से अधिक समय की दर पर। उसकी दक्षता के अनुसार अधिक समय के लिए दोहरे दर पर या फिर सामान्य वेतन एवं बोनस। तो जब हेल्से मजदूरी योजना आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मजदूरों को सामान्य वेतन दिया जाता है और यदि वो मानक समय से कम समय में उत्पादन कर लेते हैं तो उनको बोनस भी दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक ऊपरी व्यय अवशोषण दर का उपयोग किया जाता है लागत कैटर को लाभ पहुंचाने की तुलना में सामान्य लागतों को साझा करना। ये कैटर नहीं है, सेंटर है। लागत सेंटर को लाभ पहुंचाने की तुलना में सामान्य लागतों को साझा करना। एक लागत केंद्र के लिए कुल ऊपरी व्यय ज्ञात करना। उत्पादों के लिए ऊपरी व्यय प्रभारित करना या फिर नियंत्रण ऊपरी व्यय। तो ऊपरी व्यय अवशोषण दर का उपयोग उत्पादों के लिए ऊपरी व्यय को प्रभारित करना, चार्ज ओवरहेड टू द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33। गेंट के कार्य एवं बोनस योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता कितने से कम होने पर कोई बोनस देय नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 100%। यदि कोई कर्मचारी अपनी 100% तक क्षमता पर काम करता है तो ऐसे केस में
उसे कोई बोनस देय नहीं होता है, लेकिन 100% से ज़्यादा क्षमता पर जब काम किया जाता है तो उसे बोनस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100%। क्वेश्चन नंबर 34, पारस्परिक विभाजन का उपयोग करके किया जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सिलेबस से बाहर का है, इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सम आवर्त का अर्थ है, सम द्वारा उत्पन्न कुल आवर्त एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान सम शक्ति की संरचना में परिवर्तन की दर, उपरोक्त में से कोई भी या उपरोक्त दोनों। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान श्रम शक्ति की संरचना में जो भी परिवर्तन होता है उसी को श्रमावर्त कहते हैं, लेबर टर्नओवर कहते हैं। अगला प्रश्न, मशीन पर मूल्य ह्रास किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? मशीन की लागत, मशीन घंटे, श्रम घंटे या श्रम की लागत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मशीन की लागत। किसी मशीन पर जब डेप्रिसिएशन लगाना होता है तो वो कास्ट के बेस पर लगता है, बाकी चीजों के बेस पर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, श्रम आवर्त से संबंधित लागतों को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, केवल निवारण लागत, केवल प्रतिस्थापन की लागत, उपरोक्त दोनों या मशीन की लागत। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि श्रम आवर्त की लागत में प्रिवेंशन कास्ट भी लगती है और रिप्लेसमेंट कास्ट भी लगती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मशीन घंटे की दर किसको ध्यान में रखती है? समय तथ्य, लागत तथ्य, स्थान तथ्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समय तथ्य। समय के आधार पे मशीन घंटा दर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, श्रम आवर्त को नापते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिवर्तित श्रमिकों की संख्या डिवाइडेड बाई श्रमिकों की औसत संख्या, इस फार्मूले से श्रम आवर्त को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, लागत केंद्रों के मध्य भवन का किराया आवंटित करने के लिए उपयुक्त विभाजन की विधि है, कर्मचारियों की संख्या, मशीन घंटे, KWH यानी किलो वाट आवर या फ्लोर एरिया, फर्श क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फर्श एरिया यानी जितनी जगह जहाँ पे यूज हो रही है उसके आधार पर भवन के किराए को आवंटित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर किस लेवल का आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।